सोते की तरह दिख रहा है। ये भी लव बर्ड्स ही होते हैं, मतलब यहाँ पर अलग अलग के नाम ही ओके। तो दोनों यहाँ पर दोस्तों ये लव बर्ड्स होने वाले हैं, एक येलो कलर में और एक तोते के कलर में यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है प्रॉपर। हाँ, ये जैसे बर्ड्स होती है आपके पास, उनके नेस्ट बने हुए, छोटे नेस्ट भी है और बड़े नेस्ट भी है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल मोहाली पेट व्लॉग्स में। और आज फिर से हम एक व्लॉग्स के साथ आए हैं सेक्टर 22 चंडीगढ़, जो कि 22 सी में एक शोरूम अवेलेबल है अनिल पेट शॉप नाम से। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं जो आपके पेट से रिलेटेड बहुत शानदार होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ जो कि यहाँ पर कुछ बर्ड्स अवेलेबल है और हमारे भाई यहाँ पे अवेलेबल है। सर आपका नाम? मोहम्मद शाहिद भाई यहाँ पे अवेलेबल है और शाहिद भाई हमें सारी चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से बर्ड्स वगैरह यहाँ पर है। तो शाहिद भाई, जैसे कि यहाँ पर बर्ड्स अवेलेबल है, तो ये जो सबसे पहला येलो बर्ड्स है इसका क्या नाम होने वाला? इसको लव बर्ड्स बोलते हैं। लव बर्ड्स, और ये जो तोते की तरह दिख रहा है ये भी लव बर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अलग अलग नाम एक ही अलग। ओके, तो दोनों यहाँ पर दोस्तों ये लव बर्ड्स होने वाले हैं, एक येलो कलर में और एक तोते के कलर में यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। और शाहिद भाई यहाँ पर ये सेकंड चीज अवेलेबल है, इस बर्ड्स को क्या? इसको जावा बोलते हैं सर। अच्छा, जावा बोलते हैं। इसमें कलर अलग अलग होते हैं इसमें भी। ओके, तो ये कहाँ की ब्रीड है सर? ये सर ऑस्ट्रेलियन ब्रीड सर। ऑस्ट्रेलियन है? हाँ जी। इसका क्या प्राइस वगैरह होता है नॉर्मल? इसका सर ये 3000 का पेयर। 3000। लवबर्ड्स का? लवबर्ड्स में जैसे ग्रीन वाला हो गया, ये 4500 का हो गया। जो अपना येलो कलर का, ये 5000 का पेयर। अच्छा सर, ये हैंड टेम्ड होने वाला है या विदाउट हैंड टेम्ड? ये फ्रेंडली है, प्रॉपर। अच्छा, फ्रेंडली है। तो दोस्तों यहाँ पर लवर्स वगैरह जो है यहाँ पर प्रॉपर हैंड टेम्ड होने वाले हैं। और यहाँ पर एक्चुअली ये कुछ लॉकडाउन की वजह से और कुछ सारी फैसिलिटी गर्मी की वजह से बहुत सारे अभी बर्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी आपको अवेलेबल मिल जाती है। लॉकडाउन की वजह से कुछ सर्विसेज थोड़ी सी स्लो है, तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलो। ओके, नीचे यहाँ पर एक बर्ड्स और अवेलेबल है सर। सर इसका क्या नाम होने वाला है? तो सर बजरी घर बोलते हैं। अच्छा, ये बजरी वाला, ये भी ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स है। ये छोटा पीस है ना? हाँ जी। इसका हाँ। तो कितना प्राइस है लगभग? ये सर 600 का पेयर होता है। 600 पेयर है? हाँ। तो ये एक्चुअली सर अभी छोटा है, तो इसको हम पाल सकते हैं नॉर्मल? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये दोस्तों इसको बजरी बोलते, बजरी तोता ही बोलते हैं, और इसको एक बजीस पैरेट बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। उसके बाद हम दोस्तों शोरूम में एंटर करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर कैजेस वगैरह भी आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी सारी चीज़ों का ध्यान रख के, और यहाँ पर हैंड वॉश वगैरह सारा रखा हुआ है, यानी कि स्प्रे करने के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पर शोरूम में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ फिशेज अपने पास अवेलेबल है। तो शायद भाई ये कौन सी फिशेज अपने पास होने वाली है? सर ये इसमें गोल्ड फिश होती है। ओके, ये गोल्ड फिश होने? हाँ जी, इसमें अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, जैसे स्वम्पकिल गोल्ड होगी, सिल्वर शार्क होगी। okay. काफ़ी वैरायटी होती है अपने पास। ठीक है, और सर इसके बाद ये दूसरी फिश भी अवेलेबल है अपने पास? जैसे स्वम्पकिल गोल्ड फिश है। ओके, स्वम्पकिल गोल्ड फिश होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और अवेलेबल है सर, इसका क्या नाम होने वाला है? इसको सर गिनी पिग बोलते हैं। अच्छा, गिनी पिग इसको बोलते हैं। तो सर ये बिल्कुल फ्रेंडली होता है? ये भी फ्रेंडली ब्रीड्स है। हाँ जी। अच्छा, नॉर्मली घर में इसको हम नॉर्मली खुला रख सकते हैं? दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मली एकदम खरगोश की तरह लग रहा है देखने में भी, और इसको आप घर पर बहुत आसानी से रख सकते हैं। अभी बहुत सारा जो स्टॉक है अभी अवेलेबल नहीं है, वो जल्दी ही स्टॉक अभी यहाँ पर आने वाला है। अभी आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है गर्मी की वजह से स्टॉक। ओके ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर ये एक्वेरियम वगैरह भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, एक्वेरियम यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कुछ कैजेस अपने पास अवेलेबल है। तो कैजेस के यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा साइज अवेलेबल हो जाएगा, और उससे बड़ा भी साइज यहाँ पर नॉर्मली साइज हो जाएगा। यहाँ पर अगर बर्ड्स के लिए कैजेस आप रखना चाहते हैं या ज़्यादा बर्ड्स आपके पास है तो बड़ा कैजेस आप ले सकते हैं, और यहाँ पर कैजेस के प्रॉपर साइज अवेलेबल मिल जाएगा। सर इसका कितना लगभग प्राइस अपने पास हो जाएगा? सर 3050। 3500 रुपया? 3050। 3050। अच्छा, 3050 स्टार्टिंग है हमारे पास, 525 से स्टार्ट है दोस्तों। यहाँ पर केजी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये से स्टार्टिंग है, यानी कि अगर आपके पास नॉर्मली एक या दो बर्ड्स है तो 500 रुपये से स्टार्टअप हो जाता है। अगर ज़्यादा बर्ड्स आप रखते हैं तो बड़े केजी से आप यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक्वेरियम एक और यहाँ पर रखा हुआ, कितना शानदार लग रहा है। प्रॉपर ये प्रॉपर सेटअप के साथ है सर? जी हाँ जी। इसका कितना प्राइस अपने पास? ये 10,000 की रेंज में। ये 10,000 रुपये में होने वाला है, प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है। और यहाँ पर ये डॉग्स के लिए है? हाँ जी सर, ये प्रॉपर डॉग्स के लिए है। अगर बड़े डॉग्स आपके पास है तो यहाँ पर डॉग्स के लिए भी रखे हुए हैं। बहुत सारे और कैजेस यहाँ पे अवेलेबल है। कैजेस की वैरायटी की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे, और जैसे कि कैट अगर आप रखते हैं तो कैट के यहाँ पर हाउस में अवेलेबल होने वाले हैं, डॉग्स वगैरह के लिए, कैट्स वगैरह के लिए। और प्रॉपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट्स का ये प्रॉपर सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें वो बहुत अच्छे से खेल सकती है। आपके जो किटन्स है प्रॉपर यहाँ पर टॉयज वगैरह सारी चीज़ रखी हुई है, उनके साथ खेल सकते हैं। और यहाँ पर ये मैं बैग दिखाना चाहता हूँ जो कि ट्रेवल बैग होते हैं, जैसे कि आप अपने कैट्स वगैरह को रखते हैं या पेट रखते हैं तो उसमें आसानी से आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेवल के लिए बहुत बेस्ट है ये। और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए प्लास्टिक में भी अवेलेबल है ये, और ये नॉर्मली आप देखेंगे सारी चीज़ों में अवेलेबल हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ केजेस और यहाँ पे अवेलेबल है, केजेस के साथ मैं ले चलता हूँ आपको आगे। तो यहाँ पर केजेस की वैरायटी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे केजेस अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे, सारी वैरायटी और सारी प्रॉपर साइज अपने पास। ये फाइबर की रहे तो यहाँ पर देखिए फाइबर, अच्छा ट्रेवल के लिए है ये नॉर्मली, तो जैसे कि अपने पेट्स को कहीं ले जाना हो तो उसके लिए प्रॉपर केज बने हुए हैं, यानी कि इसको ट्रेवल बैग हम बोल सकते हैं। और ये सर ये कि आप चीज ओके ये कैट लीटर के लिए बनी हुई है, यानी कि जैसे पोटी वगैरह करती है उसके लिए ये अवेलेबल है। तो ये अपने पास सभी साइज मिल जाएगा सर, छोटे बड़े अच्छे सारे साइज अपने पास मिलने वाले हैं यहाँ पर। देखिए ऊपर यहाँ पर ये नहलाने के लिए भी वगैरह के लिए रखे अच्छा लीटर ट्रे है, ये भी सारी लीटर ट्रे यहाँ पर होने वाली है दोस्तों। ये ठीक है सर ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पट्टेस वगैरह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे प्रॉपर सारे, जैसे कि इसको चेस्ट के लिए बोलते हैं ये चेस्ट वाला अवेलेबल हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पर नॉर्मली पट्टे भी हो जाएंगे ठीक है। पट्टों की वैरायटी यहाँ पर देखिए छोटे अगर आपके पास डॉग्स वगैरह है या कुछ पपी है उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा सर इनका क्या प्राइस लगभग हो जाएगा अपने पास? 275 से दोस्तों यहाँ पर जितनी भी वैरायटीज लगी हुई है 275 यानी कि 275 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है। और प्राइस एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पर चाहते हैं, अगर हैवी चाहते तो हैवी के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस आपके पास होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट ये सारे देखिए यहाँ पर प्रॉपर सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली है। देखिए पट्टे यहाँ पर शानदार पट्टे अवेलेबल होने वाले हैं, देखिए ये कुछ हैवी है अगर आपके पास हैवी डॉग है तो हैवी अवेलेबल होने वाले हैं। उसके बाद और यहाँ पर देखिए डायमंड्स की तरह जैसे डायमंड लगे हुए प्रॉपर उस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी तरह है। तो यहाँ पर सर इसका कितना प्राइस हो जाएगा? इसका प्राइस है सर अपना 250 ओनली 250 रुपये का अवेलेबल होने वाला, और बिल्कुल डायमंड्स की जैसी फीलिंग आ रही है, मतलब रात को अगर आप रोशनी में देखो तो प्रॉपर चमक रहे तो डायमंड्स की जैसी फीलिंग आपको आने वाली है यहाँ पर। तो उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं ट्वाइस कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मैं ट्वाइस दिखाता हूँ दोस्तों आपके कैट्स और डॉग के लिए ट्वाइस अवेलेबल है अपने पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे छोटे मोटे ट्वाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बॉल वगैरह बनी हुई है ठीक है। ये नॉर्मली देखिए कितना अच्छा ट्वाइस यहाँ पर अवेलेबल है ठीक है। ये देखिए बॉन्स वगैरह के टाइप से बने हुए हैं, और यहाँ पर ये प्लास्टिक वगैरह में अपने अवेलेबल है। ये बड़ी बॉल है अगर आपके पास डॉग है या कैट आपके अगर बहुत ज़्यादा पिले है, ये बड़े डॉग्स के लिए यहाँ पर सारी बॉल अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए हड्डी टाइप से जिस तरीके से ट्वाइस जी सारे ये भी सारे ट्वाइस है, देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह लग रहा है जैसे उनका एक बिस्किट होता है ये। और यहाँ पर और ट्वाइस भी अवेलेबल हो जाएगा अपने पास आपके डॉग्स के लिए आपके कैट्स के लिए सारे अवेलेबल है, क्योंकि डॉग्स के साथ मैंने मोस्टली देखा है कि लोग डराते हैं इनसे और खेलते हैं इनके साथ, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फिटिंग बाउल अपने पास आ गए। तो सर इनके प्राइस कितने से स्टार्ट है? लगभग 125 से। तो ये 125 से अपने पास स्टार्टअप हो जाएगा। ये एक्चुअली डिपेंड करेगा साइज़ के ऊपर, अगर आप छोटा साइज़ चाहते हैं तो 125 का, आप बड़ा साइज़ चाहते हैं तो बड़े साइज़ के हिसाब से को आपको उसका प्राइस मिल जाएगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और बाउल अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा डॉग वगैरह है या दो डॉग आप रखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए बड़े डॉग के लिए ये अवेलेबल है। इसको ऊपर भी कर सकते हैं हम ठीक है, ऊपर नीचे इसको हम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये किस तरीके बहुत शानदार लग रहा है, ये प्लास्टिक में रबड़ में बना हुआ है, इसको आप आराम से घर में रख सकते हैं, मतलब फिसलेगा नहीं भागेगा नहीं ये नॉर्मली। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और स्टैंड ये बना हुआ है बबल, ये प्रॉपर देखिए एक लकड़ी में बना हुआ है जो कि बहुत शानदार लग रहा है दिखने में भी। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको और कवर करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर बर्ड्स के नेस्ट वगैरह, हाँ ये जैसे बर्ड्स होती है आपके पास उनके नेस्ट बने हुए, छोटे नेस्ट भी है और बड़े नेस्ट भी है। तो जैसे कि लव बर्ड्स है सर, लव बर्ड्स इसमें आ जाएगा आराम से? हाँ जी हाँ जी। तो लव बर्ड्स वगैरह तो ब्रीडिंग वगैरह सब वो इसी में करते हैं, इसी के अंदर अगर हम मतलब पिंजरे में रखे तो ब्रीडिंग पिंजरे के अंदर ही हैंग करना होता है ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो अपने लव बर्ड्स अगर आप रखते हैं या बजीज आप रखते हैं तो अगर उनसे ब्रीडिंग आपने कराने तो ये आपको पिंजरे में लगाने पड़ेगा, अदरवाइज ब्रीडिंग नहीं करते वो। तो उसके बाद आप आगे चलते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर देखिए चैन वगैरह की सारी अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए चैन की सारी वैरायटी यहाँ पर, छोटी चैन बड़ी चैन देखिए नॉर्मली सारी चैन यहाँ पर, बड़ी चैन लेनी बड़ी चैन अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये सारे टॉयज अवेलेबल है अपने पास। ये सर ये क्या चीज़ होने वाली है? ये भी नेस्ट है। अच्छा ये भी नेस्ट है, अच्छा ये प्लास्टिक में है, ये प्लास्टिक में नेस्ट होने वाला है। ये बर्ड्स के लिए फीडिंग बाउल से, अच्छा ये बर्ड्स के लिए फीडिंग बाउल यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि छोटे भी है और बड़े, देखिए छोटा साइज भी अवेलेबल है बड़ा साइज भी यहाँ पे अवेलेबल है। सर इनकी स्टार्टिंग लगभग कब से, मतलब क्या प्राइस? 125 से इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाएगी ठीक है दोस्तों। अच्छा ये बर्ड ट्वाइस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास बर्ड्स है और उनके ट्वाइस भी अवेलेबल है, देखिए यहाँ पर ये खेल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सीढ़ी टाइप से बनी हुई है, उनको आप टांग सकते हैं सीढ़ी की तरह। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये रिंग बने हुए हैं उनको कुदाने के लिए खिलाने के लिए, ये देखिए यहाँ पर एक कितना शानदार ये बना हुआ है, मतलब ये पूरे आपके ट्वाइस के लिए, ये भी नेस्ट की तरह से एक छोटी बर्ड्स के लिए है नेस्ट। अच्छा अच्छा उनके लिए नेस्ट है ये भी। और यहाँ पर बर्ड्स के लिए सारे प्रोडक्ट ये अपने पास अवेलेबल है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर कि आपको कैच वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगे, ट्वाइस वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगे, पट्टे वगैरह मिल जाएंगे, चेन वगैरह मिल जाएंगे, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। अगली वीडियो आपको आने वाली है कि यहाँ पर कौन कौन से फूड्स अवेलेबल है, क्या क्या फूड्स आपको मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।